ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के अंदर वाकई में ढेर सारी कमाल की स्टोरीज हैं, बट वहाँ पर इश्यू यह है कि उनका कोई सीक्वेंस नहीं है। स्टोरी का कुछ पोर्शन आज अपलोड हुआ है, तो पता नहीं स्टोरी का नेक्स्ट पोर्शन जाने कब अपलोड होगा। ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के यूनिवर्स 16 के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिनकी वजह से वेजिटो वहाँ पर कभी डिफ्यूज नहीं होता और वो अपनी फ्यूजन के स्टेट में लाइफ में आगे चला जाता है। आगे चलकर वेजिटो एंड बुलमा की एक डॉटर ब्रा बॉर्न होती है, और यार ब्रा का बर्थ टाइम का पावर लेवल वाकई में बहुत ही ज़्यादा हाई था। तो स्टोरी की स्टार्टिंग उस पॉइंट से होती है जब माजिम्बू ने वेजिटो को एब्जॉर्ब कर लिया था। वेजिटो माजिम्बू की बॉडी के अंदर जाकर एक शील्ड को अपने चारों तरफ क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से माजिम्बू वेजिटो को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर वेजिटो ने थोड़े टाइम के बाद अपने चारों तरफ से एक्चुअली में इस शील्ड को हटा लिया था, बट यहाँ पर स्टोरी के अंदर वेजिटो इस शील्ड को परमानेंट रखता है और इसी शील्ड की वजह से वेजिटो कभी डिफ्यूज नहीं होता। देन वो माजिम्बू की बॉडी के अंदर घूमते घूमते एक्चुअली में उस चैम्बर पर पहुंच जाता है जहां पर माजिम्बू ने सभी को एक्स के अंदर रखा हुआ था। वेजिटो वहां जाकर उन एक्स को काटना शुरू करता है, और वेजिटो के इस वाले एक्शन की वजह से माजिम्बू अगेन अपनी सुपरबू वाली स्टेट के अंदर आ जाता है। वेजिटो ने यहाँ पर फैटबू के एग को छोड़कर बाकी सभी को अलग कर दिया था। देन वेजिटो यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगता है कि तभी सुपरबू ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह एक्चुअली में अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है। माजिम्बू को देखकर वेजिटो हंसते हुए कहता है कि मैं अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बड़ा सा होल करता हूँ। यहाँ पर वेजिटो एक एनर्जी अटैक भी करता है, बट एज यू नो वेजिटो का एनर्जी अटैक एक्चुअली में ओरिजिनल माजिम्बू को डैमेज करने के लिए वाकई में बहुत ही ज़्यादा छोटा था। माजिम्बू को यहाँ पर पूरा भरोसा था कि उसकी बॉडी के अंदर वो वेजिटो को बिना किसी डाउट के डिफीट कर देगा, बट वेजिटो जल्दी फैटबू के एग को कुछ इस तरह पकड़कर माजिम्बू से कहता है कि चलो इसे भी ब्रेक करके देखते हैं। माजिम्बू यहाँ पर वेजिटो को रोकने की कोशिश जरूर करता है, बट वेजिटो उससे पहले ही फैटबू के एग को तोड़कर अलग कर देता है। आफ्टर दैट वेजिटो सभी जी वॉरियर्स के एग को लेकर माजिम्बू के सिर में बने होल के जरिए बाहर आ जाता है। माजिम्बू की बॉडी से बाहर आते ही सभी जी वॉरियर्स ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाते हैं, और इधर माजिम्बू की बॉडी भी एक्चुअली में अपनी फाइनल फॉर्म यानी किडबू में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। किडबू यहाँ पर सबसे पहले तो बहुत ही तेज स्क्रीम करता है और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एनर्जी अटैक सीधा अर्थ के कोर की तरफ लॉन्च कर देता है, बट वेजिटो वेजिटा के स्टाइल में किडबू के इस वाले अटैक को अपनी एनर्जी बीम के जरिए डिस्ट्रॉय कर देता है। वेजिटो यहाँ पर किडबू से कहता है कि अगर तुम्हें इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना है तो सबसे पहले तुम्हें मुझे बीट करना होगा, बट यहाँ पर किडबू वेजिटो को इग्नोर करते हुए एक और एनर्जी अटैक चार्ज करने लगता है। तो वेजिटो अचानक से आकर पावर अप करते हुए किडबू पर एक भयंकर एनर्जी अटैक करता है और किडबू की हालत किसी फटे हुए कपड़े की तरह कर देता है। इसके बाद वेजिटो पहले तो किडबू में एक पंच मारता है, देन एक एनर्जी अटैक किडबू की तरफ लॉन्च करता है, बट यहाँ पर वेजिटो का एनर्जी अटैक सीधा किडबू की बॉडी में एक होल क्रिएट करते हुए एक्चुअली में किडबू के आर पार निकल जाता है। देन वेजिटो कंटिन्यूसली एक के बाद एक एनर्जी अटैक करते हुए यहाँ पर किडबू की हालत को वाकई में कम्प्लीटली ख़राब कर देता है, और आखिरी में एक भयंकर एनर्जी अटैक करते हुए यहाँ पर किडबू को एक्सिस्टेंस से टोटली वाइपआउट कर देता है। किडबू के फिनिश होते ही ओल्ड का एंड किबीटो का खुशी के मारे उछलने लगते हैं, और इधर धीरे धीरे बाकी सभी जी वॉरियर्स भी एक्चुअली में अपनी कॉन्शियस कंडीशन में आने लगे थे। यहाँ पर जब गोटेन टंक्स एंड गोहान वेजिटो को देखते हैं तो वो यहाँ पर अपने अपने डैड के इस वाली कंडीशन को देखकर टोटली शॉक्ड थे। इसके बाद वेजिटो डेंडे से ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करने के लिए बोलता है ताकि वो सभी धरतीवासियों को एक बार फिर से रिवाइव कर सकें। वेजिटो के इन लाइंस को सुनकर डेंडे वेजिटो को क्लियर करता है कि ड्रैगन बॉल्स अभी 4 महीने से पहले एक्टिव नहीं होंगे, बट मैं यहाँ पर शायद कुछ कर सकता हूँ। देन इसके कुछ दिनों के बाद वो सभी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करते हैं और यहाँ पर डेंडे कुछ स्पेल्स के जरिए एक्चुअली में ड्रैगन बॉल्स को एक्टिव कर देता है। तो इन एक्टिव ड्रैगन बॉल्स के जरिए वेजिटो एंड डेंडे सभी धरतीवासियों को विश्वास करते हुए यहाँ पर अर्थ को एक बार फिर से रिस्टोर कर लेते हैं। देन कुछ दिनों के बाद वेजिटो गोकू एंड वेजिटा की फैमिली को फेस करते हुए उन्हें बताता है कि वो ना तो गोकू है और ना ही वेजिटा, उसका नाम वेजिटो है और वो बस अभी कुछ दिन पहले बॉर्न हुआ है। वेजिटो को देखकर ट्रंक्स कहता है कि वो उसका फादर नहीं है,
जिस पर वजीटो कहता है कि बिल्कुल, मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, बट मैं तुम्हें उतना ही लव करता हूँ जितना तुम्हारा एक्चुअल फादर यानी वजीटा करता था, और मेरे लिए दोनों ही फैमिलीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पर चीची एंड बुलमा भी एक दूसरे को घूर रही थी कि तभी चीची हंसते हुए यहाँ पर कहती है कि गोकू पिछले 7 सालों से डेड था, तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को नहीं चुराऊंगी बुलमा, बट वजीटो तुम्हें हमसे भी मिलने टाइम टाइम पर आना होगा, आफ्टरऑल तुम गोटेन के भी तो फादर हो। चीची के इन लाइन्स को सुनकर वजीटो बिना किसी दिक्कत के एग्री हो जाता है। देन इसी तरह स्टोरी लाइन चलती रहती है और कुछ टाइम के बाद वजीटो एंड बुलमा की एक डॉटर ब्रा बॉर्न होती है। ब्रा का बर्थ टाइम का पावर लेवल वाकई में बहुत ही ज़्यादा हाई था। इधर गोहान एंड बेडेल की डॉटर पेन भी इसी टाइम पीरियड के आसपास बॉर्न होती है। साथ ही थोड़े टाइम के बाद ये दोनों वजीटो के स्टूडेंट्स बन जाते हैं और इनका वजीटो के साथ एडवेंचर स्टार्ट हो जाता है। देन इसके कुछ सालों के बाद जब लिटिल ब्रा उड़ना सीख गई थी तो वो उड़ते हुए गोहान के घर आती है, जहाँ पर गोहान उसे गेट पर देख कर कहता है कि ओ तो ये तुम हो ब्रा, जिस पर ब्रा चिढ़ते हुए कहती है कि बिल्कुल हाँ ये मैं ही हूँ, और तुम मुझे ब्रा क्यों बुला रहे हो, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ तो तुम मुझे सन ब्रा क्यों नहीं बुलाते, आफ्टरऑल मैं भी तो सन खानदान से बिलोंग करती हूँ। जिस पर गोहान कहता है कि नेम्स तुम्हें डिफाइन नहीं करते ब्रा, और ये तुम्हें भी पता है कि अगर मैं तुम्हें सन ब्रा बुलाऊँगा तो ये बात तुम्हारी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अच्छा तो तुम यहाँ पर पेन के साथ खेलने तो नहीं आई होगी राइट। देन गोहान एंड ब्रा अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर फाइट के बीच में गोहान ब्रा से कहता है कि तुम तो वाकई में सुपर स्ट्रांग हो ब्रा, तो ब्रा चिल्लाते हुए गोहान से कहती है कि अगर मैं सुपर स्ट्रांग हूँ तो मैं तुम्हें बीट क्यों नहीं कर पाती, और मैं तुम्हारी तरह सुपर सेल में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पाती, साथ ही जब मैं तुम्हें एंड डैड को देखती हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम दोनों को बैटल के अंदर कभी डिफीट नहीं कर पाऊँगी। जिस पर गोहान ब्रा से कहता है कि तुम अभी 6 साल की हो तो तुम्हें इसके लिए अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। देन ब्रा रोते हुए अपने आप को कमज़ोर बोलना शुरू करती है, जो कि उसके सुपर सेन के ट्रांसफॉर्मेशन को टिकर मारता है, और फाइनली ब्रा एक सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ब्रा रस करते हुए गोहान की तरफ जाती है और वो गोहान पर हिट मारने की कोशिश करती है। देन वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक्स को गोहान की तरफ लॉन्च करती है, जिनको गोहान यहाँ पर जैसे तैसे रोक लेता है और ब्रा को समझाने की कोशिश करता है कि एनर्जी अटैक्स को कभी भी ग्राउंड की तरफ लॉन्च नहीं करते। जिस पर ब्रा और पावरफुल एनर्जी अटैक्स को क्रिएट करते हुए यहाँ पर बताती है कि बैटल के अंदर कोई रूल नहीं होता। इन वर्ड्स को वजीटो भी सुन लेता है, जो कि इस टाइम गैलेक्सी के किसी और प्लैनेट पर था। वजीटो इस टाइम किसी मिशन पर किसी और प्लैनेट पर था, जो कि यहाँ पर ब्रा के बारे में सोचने लगता है कि तभी वो कहता है कि गोहान ब्रा को जैसे तैसे करके संभाल लेगा। इधर गोहान ब्रा से कहता है कि अगर तुम शांत नहीं हुई तो मैं तुम्हें अपनी पावर के जरिए रोकना होगा, लेकिन ब्रा गोहान की बातों को अनसुना करते हुए यहाँ पर एनर्जी अटैक्स को गोहान की तरफ लॉन्च कर देती है। इधर गोहान भी अपने काम में हमें को ब्रा की तरफ लॉन्च कर देता है, जो कि यहाँ पर पहले तो टकराते हैं, लेकिन जल्द ही ब्रा गोहान के अटैक की वजह से एकदम अनकॉन्शियस हो जाती है। देन गोहान उसे कामी के लुकआउट पर ले जाता है, जहाँ पर डेंडे ब्रा को हील करके ठीक कर देता है। उस टाइम वजीटो भी वहीं पर था, जो कि ब्रा से कहता है कि तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल की बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना सीखना होगा। इसके बाद वजीटो अगेन ब्रा से सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बोलता है, जिस पर ब्रा वजीटो से कहती है कि मैं सुपर सेन में अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए मुझे पहले गुस्सा आना चाहिए। जिस पर वजीटो ब्रा को समझाने की कोशिश करता है कि शुरुआत में गुस्से के जरिए सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होना ठीक है, लेकिन बाद में हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करना होगा। तुम चाहो तो इस टाइम गुस्सा कर सकती हो, क्योंकि इस टाइम मैं यहीं पर हूँ तो इसमें यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। तो वजीटो ब्रा को गुस्सा करने के लिए उसे हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर ले जाता है। वजीटो एंड ब्रा को अंदर गए 10 मिनट हो गए थे, यानी अर्थ के टाइम के हिसाब से करीब 2.5 डेज कि तभी वजीटो गुस्से में हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर से बाहर आता है और गोहान से कहता है कि ये स्टूपिड ब्रेड, वो ना तो सुनती है और ना ही कॉपरेट करती है, और वहाँ पर मेरे लिए हर चीज़ को वाकई में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना देती है। इतना कह के वजीटो वहाँ से चला जाता है। देन गोहान ब्रा को ट्रेन करने हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर जाता है, जहाँ पर जाकर गोहान ब्रा से पूछता है कि क्या तुम हंग्री हो, जिस पर ब्रा कहती है कि मैं हमेशा हंग्री रहती हूँ। तो गोहान उसे सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बोलता है और ब्रा को बताता है कि बार ट्रंक्स बोल रहा था
कि ब्रा तो बिल्कुल लड़कियों की तरह बैटल करती है, जिस पर ब्रा अपने गुस्से की वजह से सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। देन गुआन उसे इसी फॉर्म को मेंटेन करने के लिए बोलता है। इसके बाद पेन भी वहाँ पर अपने गेमिंग मटेरियल को लेकर आ जाती है और वो आते ही ब्रा के तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसके बालों को पकड़ कर देती है। इसके बाद वो तीनों बैठकर कॉमिक बुक्स को पढ़ते हैं, वो तीनों वीडियो गेम्स को खेलते हैं और आखिरी में वो अपनी ट्रेनिंग को भी कंटिन्यू करते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद ब्रा ने अपने सुपर सैयन के ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर काफ़ी हद तक मेंटेन करना सीख लिया था। इसके बाद बाहर आकर ब्रा सभी से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले अर्थ को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। देन वेजिटो कहता है कि चलो देखते हैं कि क्या तुम अपनी इस नॉर्मल स्टेट को बैटल के अंदर भी मेंटेन कर पाती हो। तो गोटेंक्स एंड ब्रा का बैटल स्टार्ट होता है जहाँ पर ब्रा अपनी सुपर स्पीड से आकर गोटेंक्स को एक नॉर्मल पंच मारती है, तो गोटेंक्स भी यहाँ पर सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद वो दोनों काफ़ी अच्छे से बैटल करते हैं। इसके बाद गोटेंक्स ब्रा को किक मारकर उसे ज़मीन पर पटक देता है। देन गोटेंक्स ब्रा की तरफ ढेर सारे बीम अटैक्स करता है जिनको ब्रा यहाँ पर बड़ी मुश्किल से रोक पाती है। देन ब्रा भी अपनी तरफ से एक अटैक गोटेंक की तरफ लॉन्च करती है जो कि यार वाकई में पावर के मामले में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। यहाँ पर वेजिटो ब्रा के ऐसे वाले अटैक को रोकने की कोशिश करता है कि तभी गुहान वेजिटो को रोक देता है। इधर जैसे ही गोटेंक्स का ध्यान इस वाले अटैक पर था, ब्रा वहाँ से गायब हो जाती है और अचानक से गोटेंक्स के पास आकर वो क्या करती है आप खुद ही देख सकते हो। गोटेंक्स गुस्से में कामयामिया का पोज लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अभी के अभी खाक में मिला दूंगा, कि तभी वेजिटो यहाँ पर बीच में आकर खड़ा हो जाता है। और कुछ इस तरह ब्रा ने अपने सुपर सैयन के ट्रांसफॉर्मेशन को मेंटेन करना सीख लिया था। देन कुछ सालों के बाद वेजिटो ब्रा एंड पेन को अपने साथ अपने मिशंस पर ले जाना शुरू करता है। यहाँ पर इस तरह ट्रेनिंग को छोड़कर मिशंस पर जाना ब्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी एरोगेंट बिहेव कर रही थी कि तभी यहाँ का मैनेजर आकर वेजिटो की डॉटर यानी ब्रा का काफ़ी अच्छे से वेलकम करता है। ये मैनेजर यहाँ पर वेजिटो की डॉटर के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी ब्रा यहाँ पर शौक के मारे उस मैनेजर को एक सॉलिड पंच मारकर उसे एक्चुअली में दीवार के अंदर कुछ इस तरह सेट कर देती है। वेजिटो यहाँ पर ब्रा को समझाने की कोशिश करता है कि बेवजह लोगों को मारना बंद करो ब्रा। वेजिटो यहाँ इस तरह के मिशंस पर कायोशिन के कहने पर जाया करता था क्योंकि एक तो वेजिटो यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था जो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता था, और वेजिटो कायोशिन के पोटारा इयररिंग्स की वजह से बॉर्न हुआ था। तो यहाँ पर वेजिटो ने यूनिवर्स के अंदर पीस और कायोशिन के ऑर्डर को फॉलो करने की कसम खाई हुई थी। इतना ही नहीं, वेजिटो टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गया था। उसके टीवी पर प्रोग्राम्स वगैरह आने लगे जहाँ पर वेजिटो को एक सेवियर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था। देन अपन को ब्रा के बर्थ टाइम के कुछ सीन आते हैं जहाँ पर ब्रा के बर्थ टाइम पर वेजिटो बुलमा से उसके नाम के बारे में पूछ रहा था, जिस पर बुलमा बताते हैं कि मैंने इसका नाम ऑलरेडी सोच रखा है और इसका नाम ब्रा होगा। इसको सुन के वेजिटो पहले तो थोड़ा कन्फ्यूज होता है, देन चिल्लाते हुए कहता है कि भले ही इसका साउंड काफ़ी घटिया है पर मुझे ये नाम काफ़ी अच्छा लगा। देन वेजिटो बुलमा से पूछता है कि वो और कितने टाइम तक इस तरह बेड पर लेटी रहेगी, जिस पर बुलमा चिढ़ते हुए कहती है कि किसी बेबी को बर्थ देना बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होता है फादर के कंपैरिजन में। इसके बाद वेजिटो सोचने लगता है कि जब वेजिटा लिटिल किड था तो वो यहाँ पर अपनी मॉम से मिलने जाता है जो कि उस टाइम ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग कर रही थी। यहाँ पर वेजिटा अपनी मॉम से पूछता है कि आपकी तो आज मॉर्निंग में डिलीवरी हुई है ना, तो आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, जिस पर वेजिटा की मॉम कहती है कि उसे रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। देन वेजिटो बुलमा से स्काउटर के बारे में पूछता है, जिस पर बुलमा बताते हैं कि उसने एक स्काउटर बनाया तो था जो कि इस टाइम शायद केव के अंदर रखा है। तो वेजिटो ब्रा को यहाँ पर हवा के अंदर उछालता है और अपने आप को टेलीपोर्ट करके फटाफट स्काउटर को लेकर आता है और वेजिटो ब्रा को गिरने से पहले उसे आकर पकड़ लेता है। देन वेजिटो स्काउटर की मदद से एक्चुअली में अपनी डॉटर यानी ब्रा के पावर लेवल को मेजर करता है जो कि उस टाइम 13,568 था, जो कि ब्रोली के पावर लेवल से भी ज़्यादा था। देन वेजिटो बुलमा को बताता है कि ये इस टाइम बड़ी आसानी से नेपा को मार सकती है, जिसको TNN बाकी सभी के बेस्ट अटैक्स ने भी बैटल के अंदर कुछ खास डैमेज नहीं किया था। इधर इसी टाइम के आसपास पेन भी बॉर्न हुई थी, जिस पर एज यूजुअली सबके सब हैप्पी थे,
देन पेन को देखकर विडेलन गोहान यहाँ पर उसे साइंटिस्ट या नॉवल राइटर बनाने के बारे में सोच रहे थे कि तभी यहाँ पर वजीटो आता है और कहता है कि क्यों ना हम इसे एक ऐसा वॉरियर बनाएं जो स्पेस कॉप की तरह वर्क करे, फ्रीजा जैसे मॉन्स्टर्स को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दे और एक के बाद एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करती जाए। जिस पर विडेलन गोहान वजीटो को एक अजीब से लुक के साथ देखने लगते हैं। वजीटो जल्दी से जल्दी ब्रायन पेन को बड़ा करना चाहता था तो वो यहाँ पर गोहान एंड विडेल से पूछता है कि क्यों ना हम इन्हें दो दिन के लिए हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर रखते हैं जिससे ये दोनों फटाफट बड़ी हो जाएं। वजीटो के इस ऑफर पर विडेलन गोहान एकदम साफ मना कर देते हैं। देन इसके थोड़े टाइम के बाद ब्रायन पेन बड़ी हो जाती है तो वजीटो यहाँ पर उन्हें अपने साथ अपनी ट्रेनिंग पर ले जाया करता था, लेकिन एक दिन विडेल भी उनके साथ ट्रेनिंग पर चली जाती है। इसके बाद वजीटो वार्म अप के लिए अर्थ का पूरा चक्कर लगाने के लिए बोलता है तो वो यहाँ पर सबके सब उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन विडेल अर्थ का एक पूरा चक्कर सुनकर ऑलरेडी घायल हो गई थी। देन वो तीनों के तीनों अपनी सुपर स्पीड से अर्थ का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन विडेल उनके साथ नहीं जाती। वो वहीं पर रोककर अपनी 1-2-1-2 एक्सरसाइज शुरू करती है। देन थोड़ी देर के बाद वो तीनों के तीनों एक बार फिर से उसी लोकेशन पर अराइव होते हैं और यहाँ पर पेन विडेल को देखकर उसके लिपट जाती है और कहती है कि मॉम आप तो सुपर फास्ट हो क्योंकि आप हम सभी में सबसे पहले यहाँ पर अराइव हुई हो। देन वजीटो सीरियस ट्रेनिंग करने के लिए बोलता है जिसको सुन के विडेल यहाँ पर काफ़ी डर गई थी और कहती है कि वो अपनी एक्सरसाइज को किसी और दिन कंप्लीट करेगी, उसके लिए आज इतनी ही एक्सरसाइज काफ़ी होगी। देन अपन को उस मिशन का सीन आता है जहाँ पर वजीटो पहली बार अपने डॉटर्स को लेकर गया था। यहाँ पर वजीटो ब्रा को समझाने की कोशिश करता है कि हमें फाइट को रोकने के लिए इन्हें हिट करना होगा, लेकिन हमें हिट करना के लिए अपनी लिटिल पावर को यूज करना होगा क्योंकि हम अगर अपनी ज़्यादा पावर को यूज करेंगे तो ये बिना किसी डाउट के यहाँ पर मर जाएंगे। तुम यहाँ पर टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हो लेकिन तभी जब टैंक्स के अंदर कोई ह्यूमन ना हो। वजीटो कहता है कि तुम जहरीले वेपन्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती क्योंकि अगर यहाँ पर जहरीले वेपन्स चारों तरफ फैल गए तो ये सब के सब बिना किसी डाउट के मर जाएंगे। और आखिरी में वजीटो बताता है कि अगर इनमें से कोई तुम पर अटैक करने की कोशिश करता है तो तुम्हें उस अटैक को पर्सनली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही उन सब की नज़र वजीटो पर पड़ती है तो वो वजीटो चिल्लाते हुए यहाँ पर अपने आप को ऑटोमेटिकली सरेंडर कर देते हैं। देन अपन को कैप्सूल कॉरपोरेशन का ये सीन आता है और इस टाइम नाइट थी कि तभी लिटिल ब्रा चिल्लाते हुए कहते हैं कि डैड मेरे बेड के नीचे काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर है, तो बुलमा वजीटो को उसके पास जाने के लिए बोलती है। जिस पर वजीटो कहता है कि मैं अपनी पावर के जरिए आसपास 1 माइल के अंदर होने वाले लिटिल वाइब्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकता हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस टाइम ब्रा के बेड के नीचे कोई मॉन्स्टर नहीं है। देन अपन को लिटिल ट्रंक्स के टाइम का ये सीन आता है जहाँ पर ट्रंक्स भी रात में चिल्ला रहा था कि डैड मेरे बेड के नीचे मॉन्स्टर है। ये सुनकर वजीटा फटाक से ट्रंक्स के रूम में आता है और ट्रंक्स को समझाने की कोशिश करता है कि अगर बेड के नीचे मॉन्स्टर है तो तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए ट्रंक्स, जैसे कि तुम अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय करते हो। इसके बाद अपन को लिटिल गोटेन के टाइम का ये सीन आता है जहाँ पर गोटेन भी रात में चिल्ला रहा था कि डैड मेरे बेड के नीचे मॉन्स्टर है। ये सुनकर गोकू फटाक से गोटेन के रूम में आता है और वो एक्साइटमेंट के मारे उस मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है। गोकू यहाँ पर इतना एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि गोकू यहाँ पर उस मॉन्स्टर से बैटल करने वाला था, लेकिन यहाँ पर गोकू को कोई मॉन्स्टर नहीं मिलता। देन आखिरी में अपन को लिटिल पेन के टाइम का ये सीन आता है जहाँ पर पेन भी रात को जोर जोर से चिल्ला रही थी कि डैड मेरे बेड के नीचे मॉन्स्टर है। ये सुनकर गोहान एंड विडेल पेन के रूम में आते हैं और पेन को बड़े प्यार से यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं कि मॉन्स्टर बेड के नीचे नहीं बेटा, तुम्हारे माइंड के अंदर है। तो वजीटो की डॉटर के एडवेंचर्स इसी तरह वजीटो के साथ कंटिन्यू रहते हैं। देन इसके काफ़ी टाइम के बाद कायोसेंस के द्वारा वजीटो को एक और मिशन दिया जाता है। कायोसेंस बताते हैं कि तुम्हारी वजह से यूनिवर्स के सभी इवल माइंड्स एक साइड हो गए हैं और वो सभी मिलकर तुम्हें डिफीट करने की कोई प्लानिंग बना रहे हैं। इसके बाद ओल्ड का बताते हैं कि हमने काफ़ी रिसर्च के बाद यहाँ पर 4 लोकेशंस को फाइनल किया है। ये इविल लोग इन 4 लोकेशंस में से किसी एक लोकेशन पर हो सकते हैं, बट यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये 4 लोकेशंस काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्टेड और एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड हैं।
अगर हम एक लोकेशन पर अटैक करते हैं तो बाकी के तीनों लोकेशंस ऑटोमेटिकली किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। दैट्स वाई हमें चारों लोकेशंस पर एक साथ अटैक करना होगा। ओल्ड काय की सभी बातों को सुनकर वेजिटो यहाँ पर कहता है कि मैं चारों लोकेशंस को सुपर फास्ट चेकआउट कर सकता हूँ, जिस पर ओल्ड काय एग्री नहीं होते और कहते हैं कि हमें सेम टाइम पर एग्जैक्ट अटैक करना होगा। देन अगले दिन वेजिटो कुछ लोगों की चार टीम बनाता है ताकि वो चारों लोकेशंस पर एक साथ रेड कर सकें। साथ ही इन टीमों के अंदर एक बंदा ऐसा जरूर था जो कि टेलीपोर्टेशन टेक्निक में एकदम एक्सपर्ट था। यहाँ फर्स्ट टीम के अंदर वेजिटो अकेला था, सेकंड टीम के अंदर ओल्ड काय, गुहान एंड विडेल थे। सेकंड टीम को ओल्ड काय अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक के जरिए टेलीपोर्ट करने वाले थे। थर्ड टीम के अंदर सुप्रीम काय, पेन एंड ट्रंक्स थे। इस वाली टीम को सुप्रीम काय अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक के जरिए टेलीपोर्ट करने वाले थे। और फोर्थ टीम के अंदर गोटेन एंड ब्रा थे। इस वाली टीम को वेजिटो की डॉटर यानी ब्रा अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक के जरिए टेलीपोर्ट करने वाली थी। यहाँ पर ब्रा को इस बात से काफ़ी दिक्कत थी कि हम दो दो की टीम के अंदर क्यों हैं, हम अकेले भी तो मिशन पर जा सकते हैं। जिस पर ओल्ड काय वेजिटो की डॉटर यानी सन ब्रा को एक्सप्लेन करता है कि दो बंदों का ग्रुप अकेले से काफ़ी बेटर होता है, ताकि वो जैसे ही उस एवल लोगों की ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढें, उनमें से कोई एक बंदा टेलीपैथिकली सभी को इन्फॉर्म कर सके। इसके बाद सुप्रीम काय सन ब्रा को लोकेशन का आइडिया देता है ताकि वो गोटेन के साथ वहाँ पर अपने आप को टेलीपोर्ट कर सके। देन वो चारों के चारों टीम प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो सभी यहाँ पर वेजिटो के इशारे पर अपनी अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करते हैं और अगले ही मोमेंट में अपनी बताई गई लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। इन सभी के आते ही एवल लोगों को भी इनका पता चल जाता है, तो वो भी अपनी लोकेशन को टेलीपोर्ट करने में लग जाते हैं। यहाँ पर सभी वॉरियर्स की लोकेशन सेम रहती है, बट ट्रंक्स वाले ग्रुप की लोकेशन टेलीपोर्ट हो गई थी। बट जैसा कि पेन, ट्रंक्स एंड सुप्रीम काय उसी लोकेशन पर थे, तो वो भी यहाँ पर लोकेशन के साथ ऑटोमेटिकली टेलीपोर्ट हो गए थे। वेजिटो इस टाइम स्पेस के मिडिल के अंदर कुछ किलोमीटर में फैले मैजिकल वाटर के अंदर था। यहाँ पर वेजिटो इस अंडर वाटर वाली बात से ऑलरेडी काफ़ी इरिटेट था कि तभी वेजिटो को यहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर एक अननोन पर्सन वेजिटो से कहता है कि ये तुम्हारा अंत है वेजिटो, मैं इस टाइम तुम्हारे माइंड के अंदर हूँ, तो मुझे फिनिश करने के लिए तुम्हें अपने सबसे भयंकर फियर को डिफीट करना होगा। देन अपन को वेजिटो का सबसे भयंकर फियर देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली में ब्रा का एडल्ट वर्जन था। यहाँ पर यह फेक ब्रा वेजिटो को बताती है कि तुम्हारी ब्लड लाइन की कोई वॉरियर एक्चुअली में तुम्हें पावर के मामले में सरपास कर देगी। इस यूनिवर्स का अंत तुम्हारी डॉटर के हाथों होगा। तुम्हारी डॉटर हमेशा डेस्ट्रक्शन के पाथ को चूज करती है, क्योंकि तुम्हारी डॉटर एक्चुअली में इवल्स के द्वारा पोजेस्ड है। यहाँ पर ये अपने डायलॉग्स को कंप्लीट करने ही वाली थी कि तभी वेजिटो अचानक से आकर इस फेक ब्रा के फेस पर एक सॉलिड पंच मारता है। यहाँ वेजिटो के इस तरह कोल्ड रिएक्शन को देखकर ये फेक ब्रा वाकई में काफ़ी शॉक्ड थी, जिस पर वेजिटो क्लियर करता है कि तुमने अभी बताया था कि ये सब इल्यूजन है, तो मुझे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ये फेक ब्रा पावर अप करते हुए अगले मोमेंट में अपने आप को सुपर सेन के लेवल 3 पर पहुंचा देती है। ब्रा के सुपर सेन के लेवल 3 को देखकर वेजिटो भी यहाँ पर पावर अप करते हुए अपने आप को सुपर सेन के लेवल 3 पर पहुंचा देता है। देन वेजिटो एंड ब्रा का धमाकेदार बैटल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर वेजिटो बड़े आराम से ब्रा पर एक के बाद एक हिट मार पा रहा था, और वेजिटो एक्चुअली में ब्रा के मुकाबले काफ़ी सुपीरियर भी था। कि तभी वेजिटो को रियलाइज होता है कि वो इस टाइम अंडर वाटर है, तो वेजिटो एक ज़बरदस्त पावर अप करता है और उस फेक ब्रा के साथ उस मैजिकल वाटर को एक्चुअली में एक्सिस्टेंस से टोटली वाइप आउट कर देता है। यहाँ पर वेजिटो कहता है कि चाहे मैजिक हो या टेक्नोलॉजी, प्योर पावर के आगे एक्चुअली में सब कुछ बेकार होता है। मुझे डिफीट करने के लिए तुम्हें कम से कम 1000 टाइम ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। वेजिटो के बाद अपन को गुहान वाली लोकेशन का ये सीन आता है, जहाँ पर वो सब के सब एक कैसल के आगे टेलीपोर्ट हुए थे। इस टाइम एक बंदा पागलों की तरह गुहान एंड विडेल की तरफ आ रहा था, बट फिर भी ओल्ड काय गुहान से वो बता रहे थे कि मुझे तो यहाँ पर कोई हाई पावर लेवल फील नहीं हो रहा, मतलब वो वॉरियर यहाँ पर बिना किसी डाउट के नहीं है। वो बंदा आकर गुहान एंड उसकी गैंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट गुहान उसे बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। देन एक कमांडर टाइप बंदा अटैक करने का ऑर्डर देता है, तो उसके सोल्जर्स तीर कमान के जरिए उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, बट यार इनके तीर कमान ओल्ड काय, विडेल एंड गुहान को यहाँ पर डैमेज करने के लिए वाकई में काफ़ी कमज़ोर थे।
देन यहाँ पर ये लेडी अपीयर होती है जो कुछ इस तरह अपने अटैक को चार्ज करके उसके जरिए गोहान पर अटैक करने की कोशिश करती है। इधर गोहान भी उसकी तरफ से एक एनर्जी अटैक करता है और यार गोहान का काउंटर अटैक वाकई में सुपर स्ट्रॉन्ग था। गोहान के उस अटैक ने उस लेडी की हालत को वाकई में काफ़ी ख़राब कर दिया था। गोहान के बाद अपन को ट्रंक्स वाली लोकेशन का ये सीन आता है जहाँ पर ट्रंक्स एंड उसकी गैंग ने पूरी की पूरी आर्मी को एक्चुअली में कम्प्लीटली नॉकआउट कर दिया था। यहाँ पर यह बंदा बच गया था तो यह किसी वॉरियर को अंदर भेजने के लिए बोलता है। देन ये वॉरियर अंदर आता है जो अपना नाम एक्चुअली में गोरकोर बताता है और इसके पावर के बारे में ये आइडिया देता है कि इसकी पावर एक्चुअली में इस टाइम लॉर्ड फ्रीजा से भी ज़्यादा है। यहाँ पर यह वॉरियर जैसे ही कहता है कि इसका पावर लेवल एक्चुअली में लॉर्ड फ्रीजा से भी ज़्यादा है तो पेन ट्रंक्स एंड सुप्रीम का आपस में बहस में बिजी हो जाते हैं। यहाँ पर यह वॉरियर अपनी टॉप स्पीड से रश करते हुए उन सभी से कहता है कि मैं तुम सबको मसल कर रख दूंगा, बट अगले मोमेंट में सुप्रीम का है उसे अपनी पावर के प्रेशर से काफ़ी पीछे की तरफ धकेल देता है। देन ट्रंक्स अपनी टॉप स्पीड से जाकर उसे वाकई में एक सॉलिड हिट मारता है। चूँकि वो वॉरियर पेन के जस्ट सामने गिरा था तो यार वो पेन को कुछ इस तरह पकड़ लेता है, बट यार पेन भी अगले मोमेंट में सुपर सेल में ट्रांसफॉर्म होकर उस अननोन वॉरियर को टोटली नॉकआउट कर देती है। ट्रंक्स के बाद अपन को गोटेन वाली टीम का सीन आता है जो कि इस टाइम किसी प्लैनेट के एक टेंपल के आगे थे और इनको क्लियरली फील हो रहा था कि इस प्लैनेट पर बिलियंस ऑफ लाइफ है कि तभी एक अननोन वोमेन आकर उनसे कहती है कि आखिर ये बच्चे कौन है और यहाँ पर वेजिटो क्यों नहीं आया। ये वोमेन कहती है कि मैं उस गॉड टाइप वॉरियर के सिर को उसकी बॉडी से उखाड़ कर रख दूंगी। इन लोगों की एनर्जी को फील करके गोटेन कहता है कि ये लोग तो वाकई में सुपर स्ट्रांग हैं, बट यहाँ पर जब वेजिटो की डॉटर यानी ब्रा उनके पावर लेवल को फील करती है तो ब्रा कहती है कि ये लोग तो वाकई में सुपर वीक हैं। इनके पावर लेवल का अच्छे से आइडिया लगाने के बाद गोटेन कहता है कि हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से भले ये लोग नॉर्मल होंगे बट यूनिवर्स के हिसाब से ये लोग वाकई में काफ़ी बड़ा खतरा है। ये लोग बिना किसी डाउट के वही वॉरियर होंगे जिन्हें हमें रोकना है। तो यहाँ पर गोटेन टेलीपैथिकली वेजिटो से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, बट यार ये लेडी जो गोटेन के कम्युनिकेटिंग सिस्टम को ब्लॉक कर रही थी वो गोटेन को बताती है कि किसी को मैसेज भेजने से पहले तो मैं एक्चुअली में मुझे बैटल के अंदर मारना होगा। इस लेडी के इलाइंस को सुनकर ब्रा सुपर सेल में ट्रांसफॉर्म होते हुए उस लेडी से कहती है तो चलो हम तुम्हें मारकर मैसेज को भेज देंगे। यहाँ पर यह बंदा अपनी टॉप स्पीड से गोटेन की तरफ रश करता है और उसे एक सॉलिड पंच मारने की कोशिश करता है। हालांकि गोटेन उसके फर्स्ट पंच को तो ब्लॉक कर लेता है बट ये जल्दी सेकंड पंच के जरिए एक्चुअली में गोटेन को एक दीवार के अंदर सेट कर देता है। गोटेन की ऐसी कंडीशन को देखकर ब्रा पावर अप करते हुए उस बंदे की तरफ रश करती है और उसे वाकई में एक सॉलिड पंच मारती है। देन ब्रा अपने आप को उन दोनों लेडीज के पीछे टेलीपोर्ट करती है और वो एक को तो सॉलिड पंच मारती है बट यहाँ पर ब्रा सेकंड वाली को हिट नहीं मार पाती। इधर गोटेन ने भी उस बंदे को बैटल के अंदर ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था। यहाँ पर गोटेन कहता है कि भले तुम लोग स्ट्रांग हो बट अगर बात पावर लेवल की करें तो हम लोग तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं। गोटेन यहाँ उससे उसके बारे में पूछ रहा था और इधर ब्रा एंड उस लेडी का टो बैटल चल रहा था। यहाँ वो बंदा बताता है कि हम लोग माइटी बोजाक के इम्प्रूव्ड न्यू जनरेशन जैकाल्स हैं। क्योंकि गोटेन को बोजाक के बारे में कोई आइडिया नहीं था तो यहाँ पर गोटेन थोड़ा सा कन्फ्यूज था। बाकी इधर बैटल के अंदर उस लेडी की फ्रेंड भी उस बैटल को ज्वाइन कर लेती है तो ब्रा अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करते हुए वहाँ से निकल जाती है और उन दोनों लेडीज के पंच एक्चुअली में एक दूसरे के फेस को हिट करते हैं। साथ ही वो बंदा भी एक ज़बरदस्त पावर अप करते हुए यहाँ पर अपनी ट्रू पावर को अनलिस्ट करता है। वो अपने टॉप स्पीड से गोटेन की तरफ जा ही रहा था कि तभी ब्रा मिडिल एयर में आकर अपने चार्ज कामे हामे हा को उस बंदे की तरफ लॉन्च कर देती है। ब्रा के इस वाले अटैक से वो बंदा ऑलमोस्ट आउट ऑफ प्लैनेट पहुंच गया था। देन ब्रा कहती है कि तुम लोग पावर अप भी कर सकते हो, वैसे वेजिटो मेरा फादर है। ये सुनकर वो लेडी कहती है कि ये मेरी शिकार है, तुम जाकर उस कमज़ोर वाले को फिनिश करो। इसके बाद गोटेन एंड उस लेडी का बैटल स्टार्ट हो जाता है बट यहाँ पर गोटेन केवल उस लेडी के अटैक्स को डॉच कर रहा था। गोटेन के ऐसे डिफेंसिव टाइप बैटल को देखकर ब्रा चिल्लाते हुए गोटेन से कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर गोटेन कहता है कि मैं एक लेडी को हिट नहीं कर सकता।
इसी बीच वो लेडी अपनी ट्रू पावर को अनलिश करते हुए सनब्रा के साथ अपने बैटल को स्टार्ट कर देती है और इस टाइम वो लेडी बड़ी आसानी से ब्रा के साथ कीप अप कर पा रही थी। साथ ही उस दूसरी लेडी ने गोटेन को जबरदस्त हिट मारकर उसे ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था। देन वो लेडी अचानक से आकर सनब्रा को एक जबरदस्त पंच मारती है। इसके बाद वो दोनों लेडीज टीम अप करते हुए वेजिटो की डॉटर यानी सनब्रा की वाकई में अच्छी खासी धुलाई करती हैं। यहाँ उन दोनों लेडीज ने मिलकर ब्रा को ऑलमोस्ट डाउन कर दिया था। देन वो लेडीज कहती है कि इसमें काफ़ी मज़ा आया बट रियल थिंग से तो बैटल करना अभी बाकी है। ये सुनकर ब्रा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है तो वो खड़े होते हुए कहती है कि मैं रियल थिंग हूँ। इसके बाद ब्रा जबरदस्त पावर अप करते हुए कहती है कि मैं सनब्रा हूँ और मैं अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड हूँ। ब्रा ने इस टाइम अपने एंगर की वजह से एक्चुअली मैं सुपर सेन के लेवल 2 को अचीव कर लिया था। यहाँ पर ब्रा के जो सुपर सेन 2 की पावर थी वो यार वाकई में एकदम नेक्स्ट लेवल की थी। देन ये तीनों फाइटर्स ब्रा की तरफ रश करते हुए उस पर अटैक करने जाते हैं बट ब्रा अपनी सुपर स्पीड से उनकी तरफ जाते हुए अचानक से उन तीनों फाइटर्स के जस्ट पीछे पहुँच जाती है। देन ब्रा एक फाइटर के सिर में हिट मारते हुए उसके सिर को उसकी बॉडी से कम्प्लीटली अलग कर देती है और इस लेडी में कुछ इस तरह किक मारती है। इसके बाद ब्रा उस लेडी में एक और ज़बरदस्त किक मारती है एंड उसे कहती है कि चलो अब तुम्हें रेज किया जाए। देन ब्रा अपनी फुल पावर को अनलिश करना शुरू करती है क्योंकि वो सब इस टाइम एक्चुअली में ग्राउंड से ऊपर वाले एरिया पर फाइट कर रहे थे तो ब्रा अपनी पावर को अनलिश करते हुए उस वाले एरिया को टोटली डिस्ट्रॉय कर देती है और इस टाइम ब्रा ने अनजाने में अपने ब्रदर यानी सन गोटेन को भी मार दिया था। ये धमाका नीचे से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि तभी आसमान से वो लेडी फाइटर नीचे आकर गिरती है जिसको एक्चुअली में सन ब्रा ने फेंका था और अब सन ब्रा उसे फिनिश करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तो ब्रा अपनी फुल पावर के साथ एक बीम अटैक करती है जो कि प्लांट के एक साइड से जाता है और प्लांट के दूसरी साइड से बाहर निकलता है और इसी के साथ सन ब्रा ने उस प्लांट को भी टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के बाद ब्रा को बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हो रहा था बल्कि ब्रा तो उस टाइम उस प्लांट को देख देख कर हंस रही थी कि तभी वेजिटो अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से वहाँ पर अराइव होता है और एक सुपर सॉलिड पंच मारकर एक्चुअली में सुपर सेन 2 ब्रा को कम्प्लीटली नॉकआउट कर देता है। देन वेजिटो ब्रा को पास वाले प्लांट पर लेकर जाता है जहाँ कुछ टाइम के बाद ब्रा को होश आता है। देन वेजिटो बताता है कि तुमने इस प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया, इस प्लांट के बिलियंस ऑफ पीपल को मार दिया, इवन तुमने सन गोटेन को भी मार दिया, तुमने इस सिस्टम के सन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और अब ये एक सुपरनोवा बन चुका है जो कि ऐसे ही कुछ देर तक कई और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करता जाएगा। ये बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता। भले ही अब तुमने सुपर सेंट के लेवल 2 को अचीव कर लिया है बट इस लेवल पर तुम पहले से भी भयानक मॉन्स्टर बन चुकी हो ब्रा, तुम टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो और तुम्हारा अब इस लेवल पर जो पावर लेवल है उस पर शायद गोहान भी तुम्हें रोक ना पाए। तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि तुमने यहाँ पर क्या कर दिया? वेजिटो की इतनी सारी बातों को सुनने के बाद ब्रा केवल इतना ही कहते हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है बट मैं इस बैटल को जीत गई हूँ डैड। देन ब्रा हंसते हुए कहते हैं कि और मैं पहले के मुकाबले कि तभी वेजिटो उसे यहाँ पर चुप रहने के लिए बोलता है। देन वेजिटो बताता है कि मतलब इस यूनिवर्स के अंदर केवल मैं ही अकेला वो वॉरियर हूँ जो तुम्हें रोक सकता हूँ। मेरे लिए ये काफ़ी खुशी की बात है कि मेरी डॉटर अब मेरे लिए एक वर्थी अपोनेंट बनती जा रही है बट दुख की बात तो यह है कि तुम धीरे धीरे ब्रोली के जैसी बनती जा रही हो। मैंने इस यूनिवर्स के कायोसेंस से प्रॉमिस किया है कि मैं इस यूनिवर्स को हर हाल में सेफ रखूँगा। इस टाइम तुम्हें रोकना काफ़ी आसान था क्योंकि इस टाइम मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ बट इवेंचुअली किसी दिन तुम मुझे भी सरपास कर दोगे बट वो दिन आने से पहले शायद मैं तुम्हें मार दूंगा। तो तुम समझ रही हो ना कि तुम्हारा अपनी एनर्जी पर कंट्रोल होना कितना ज़रूरी है? अगर तुम अपनी एनर्जी पर कंट्रोल करना नहीं सीखती तो बदकिस्मती से मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर वेजिटो ने अपनी ही डॉटर यानी सनब्रा को मारने की धमकी दी है क्योंकि उसे यकीन है कि ये एक ना एक दिन मुझे सरपास कर देगी और अगर इसने मुझे भी सरपास कर दिया तो इसे इस यूनिवर्स के अंदर कोई रोक नहीं सकता। दैट्स वाई वेजिटो ने यहाँ पर अपनी डॉटर को मारने की धमकी दी थी। और इसी पॉइंट पर आकर वेजिटो एंड उसकी डॉटर की यूनिवर्स 16 के अंदर स्टोरी ओवर हो जाती है। स्टोरी अभी बिना किसी डाउट के आगे भी कंटिन्यू है
जहां ये दोनों मल्टीवर्सल टूर्नामेंट में जाकर बाकी के फाइटर्स के साथ बैटल करेंगे। बट यार उसको अपन किसी और दिन इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और यार मुझे इन दोनों के बैटल्स को कवर अप करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो यार थोड़ा पेशेंस जरूर रखना। बाकी यूनिवर्स 16 के वेजिटो एंड इसकी डॉटर यानी सनब्रा की स्टोरी मेरी फेवरेट स्टोरीज में से एक है, तो टेंशन ना लो, मैं इसे हो सके उतना जल्दी कवर अप करने की कोशिश करूँगा। साथ ही अगर आप मेरे साथ वीडियो के अंदर इस पॉइंट तक आ गए हो, मतलब आपको वीडियो बिना किसी डाउट के पसंद आई होगी, तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।